ओम शांति। आज की तारीख है 15/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस में कभी भी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है, यानी कर्म में लाना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर है, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार उसे देखते रहो तो बहुत बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपना मिजाज यानी अपना टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्री मत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल यानी फूल बनाना है। नंबर दो, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाली पुण्य आत्मा भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यही स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।